नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोग को एक बात शेयर करना चाहता हूँ। ऐसे साओ में बैठ के जैसे लोग ना हमेशा मीठी मीठी बातों में फंस जाता है। देखो हमेशा सोचना, मीठी मीठी बात जो आता है ठीक है, वो हमेशा बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि लोग ना मीठी मीठी बात करके जाल में फंसा लेते हैं। इसलिए हमेशा तैयार करना कि लोग कभी भी ना उसे, मेरा दोस्त ने कुछ बोल रहे हैं अभी, उसको कभी भी अपना मतलब मस्ती करके बात कर रहा है, लेकिन ये बहुत रियल है। मैंने काफ़ी देखा है लोग को बहुत मीठी मीठी बात करके काम में निकाल लेते हैं, है ना। इसलिए इतना हावी मत होने देना, लेकिन सुनो अपने राय लो। ये बात नहीं कि हर मीठी बात पे करवा होता है, ऐसा बात नहीं। जैसे मैंने देखा है, क्योंकि हमेशा छोचो और उसको अपने खुद का हिसाब से डिसाइड कर लीजिए। क्योंकि देखो अपना जो मंजिल है, अपना जो काम है, उसको तो आप देखना पड़ेगा। क्योंकि कोई लोग ऐसा भी है मीठा मीठा बात करके अपना जो काम को निकाल लेते हैं, बाद में भूल जाता है, वो मत करना। जो अपना हमेशा ये सोचना कि अपना जो काम है, अपना जो जैसे लोग है ना, अपना जो बड़ा बड़का लोग है, जैसे मतलब वो आपको सलाह देते हैं अच्छा तरह से, तो वो आदमी का पास जाओ। नहीं तो सलाह कि जो आदमी ये है अपने जो बात में, जैसे टाइम हमेशा बहुत कीमती है, हर टाइम कीमती है। आप भी सोचा होगा सुबह होते हैं कितना मुश्किल लगते हैं, ठीक है, और कहीं भी जल्दी सोने का कितना मुश्किल लगता है। तो ये हर ज़िंदगी तो मुश्किल ही है, तो इसीलिए हमेशा दो दिन का ज़िंदगी है, अच्छा करना, अच्छा सोचो, अच्छा करो, है ना। तो अच्छा ज्ञान दो, अच्छा सलाह लो, वही है। तो ये बात है, और अपने भी खुद अच्छा सोचो, जैसे सोचेंगे ऐसे होंगे, इसलिए अच्छा सोचो, अच्छा करो, ये मेरा राय है। थैंक यू।